नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो जो भी PNG फ़ोटो इसमें डाले गए हैं वही फ़ोटो आप चेंज करके खुद का स्टेटस और रील्स बना सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी अपने जो ये वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको खोल लेनी है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन खोलने के बाद सर्च में आपको लिखना है VIP एडिटिंग, आपको लिख लेना है और ये जो चैनल है वो खोल लेनी है। तो दोस्तों, इस चैनल में मैं यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल दे दूँगा, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस चैनल में दोस्तों मैं जो मेन एप्लीकेशन है नोट वीडियो एप्लीकेशन जो APK फाइल में यहाँ दे दूँगा, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको जो एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़काइवर एप्लीकेशन। बाद में दोस्तों, ज़काइवर एप्लीकेशन डाउनलोड करके खोल लेनी है और जिस भी फोल्डर में आपने ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करके रखी हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है। तो दोस्तों, आपके पास एक ऐसी फाइल आ जाएगी जो कि RAR फाइल है। तो दोस्तों, उस RAR फाइल पर आपको इस तरह क्लिक कर लेना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जब भी आप एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करते हो तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके अंदर जो पासवर्ड है वही पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। तो दोस्तों, मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूँगा। ओके करते ही दोस्तों एक दूसरी फाइल खुल के आ जाएगी जो कि zip फाइल है। अभी आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद जो मेन एप्लीकेशन है नोट वीडियो एप्लीकेशन वो आपको डाउनलोड करके खोल लेनी है। तो दोस्तों, नोट वीडियो एप्लीकेशन अपने यहाँ खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है, लोड प्रोजेक्ट zip पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ तीन लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके मोबाइल के फोल्डरों में चले जाना है। फोल्डरों में जाने के बाद दोस्तों, आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है एक्सट्रैक्ट करके रखी हो, जो zip फाइल है वो आपको zip फाइल ले लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे नोट वीडियो एप्लीकेशन में यहाँ पे ऊपर ये फाइल आ जाएगी। बाद में आपको उस फाइल पर इस तरह क्लिक कर लेना है। तो नोट वीडियो एप्लीकेशन में ये प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ ग्रुप पे क्लिक करना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो ये कुछ फ़ोटो दिए गए हैं जो कि PNG फ़ोटो है और यहाँ पे वीडियो भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो या फिर वीडियो चेंज करके खुद का फ़ोटो या वीडियो आप डाल सकते हो। अभी दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो के आगे आऊँगा इस तरह, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो फ़ोटो है PNG, वो फ़ोटो मैं चेंज करके आपको दिखाऊँगा। तो फ़ोटो चेंज करने के लिए सबसे पहले उस फ़ोटो पर क्लिक करना है, तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और रिप्लेस पर आपको क्लिक कर लेना है। रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी अपना जो PNG फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैं ये वाला जो फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ ओके कर दूँगा। यहाँ पे ओके करते ही दोस्तों, यहाँ पे मैं इस फ़ोटो को इस तरह सेट कर दूँगा। यहाँ से उसकी साइज कम ज़्यादा कर दूँगा, यहाँ से अपने इस तरह सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फ़ोटो तो सेट हो गया है। अभी दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिरिक्स का वीडियो है वो दिया गया है। तो दोस्तों, उस लिरिक्स को डिलीट आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप सबसे पहले तो उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। इस तरह अपने ये जो लिरिक्स है वो डिलीट कर देंगे।
तो दोस्तों मैंने यहाँ से वीडियो डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी दूसरा एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जो लिरिक्स वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे और वीडियो पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डरों में वीडियो है वो फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी आपका लिरिक्स वाला वीडियो आपको सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी इस वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर लूँगा। बाद में दोस्तों आपको यहाँ से वीडियो को धीरे धीरे आगे लाना है। इस तरह आगे लाने के बाद ये प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो मास्क है वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की लिखा है वहाँ क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 3D लिखा वहाँ क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको धीरे धीरे नीचे ला देंगे। इस तरह बस इतना कर लेना है। बाद में दोस्तों आपको यहाँ रूट पे क्लिक करना है और रेशियो पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको जो रेशियो है वो सिलेक्ट कर देना है। इतना दोस्तों कर लेना है। बाद में आपका ये जो वीडियो है वो तैयार है। तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और ग्रीन बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।